ये कहानी अंत तक देखनी बेहद जरूरी है। इसे फॉरवर्ड स्किप मत कीजिएगा, इसे पॉज करके कुछ और मत देखिएगा, क्योंकि आज अगर आपने ये नहीं देखा तो हमेशा के लिए इंसानियत मर जाएगी। मेरा भाई तोड़ दिया अन्ने। वहाँ से भगाया, यहाँ जंगल में आ गए, जंगल से भी भगा रहे। क्यों बना रहे हो? कहाँ से यहाँ? मीडिया से मंदिर भी छोड़ो जाके, तब जगह तुम्हारा कैसा नाश हो। किराया नहीं दे पा मैं, हम अपने बच्चन को भूखे प्यासे सुला में कहाँ को ले जाए। हमें परेशान करके रख दिया, बताओ वहाँ तीन जगह से भगाए गए। मंदिर न तोड़े, हमारा बर्तन बड़ा तोड़ दिया बहन के। जब कंगना रनौत का अवैध घर तोड़ा गया था तो कितने बड़े बड़े लोगों के आंसू बहुत बह रहे थे, बहुत मुंह में जबान थी, बहुत कुछ दर्द के रूप में झलक रहा था। लेकिन जब इनके घर उजाड़ दिए जाते हैं, अफसोस कोई नहीं आता। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 42 की ये घटना है जहां पर इनका घर उजाड़ दिया गया। ये रोते रहे और कहते रहे कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहां। क्यों रो रहा था? मेरा भाई तोड़ दिया अन्ने। कहाँ था घर? कहाँ था बेटा आपका? खिलाया जाएगा कैसे? हम परेशान ना हो गए, कहाँ को जाए? कितना पैसा ले जाते बेटा लोग? बस डेली डाली महीने के 20,000 रुपए लेते हैं ये लोग। ये गरीब ऐसे हैं जिनका कोई नहीं होता, और अगर कोई जाकर उनकी खबर भी दिखाना चाहता है, उसको शूट भी करना चाहता है, तो उनको भी रोका जाता है। इसी तरह से हमारी टीम को भी रोकने की कोशिश की गई। क्यों बना रहे हो? कहाँ से यहाँ? मीडिया से अब अपना काम कीजिए ना। मनाया है तो उसको हटा रहे हैं। तुम्हारा भाई भी है कोई? कहाँ के रहने वाले तुम बेटा? राहुल बताइए। मम्मी पापा क्या काम करते हैं? अभी गांव में झाड़ू पोछा करते थे।
बच्चों के लिए ऐसे परेशान कर रखा है सबने, बताओ कहाँ भी बच्चे। एक आदमी ने बहुत खास बात कही, हम यहाँ पर मजदूरी करके कमाते हैं, हम गरीब लोग हैं तो रहेंगे भी तो इस देश में ही, इस देश में उनको कुछ दिया नहीं जाता लेकिन उसके बाद छीन बहुत आसानी से लिया जाता है। जगह हम घर मकान नहीं है हमको, भाई अपना मजदूरी करते हैं खाते हैं तो देश में रहेंगे हैं? तो जाए कहाँ, जंगल में पड़े थे भी नहीं रहने देते हो, कहाँ रहें क्या खाए। भाई सोचते हैं सरकार, किस चीज की सरकार, जब सारी गरीब गरीब के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि जहाँ पर ये घर गिराए जा रहे थे उसके ठीक बगल में एक मंदिर बना हुआ था, वो भी अवैध ही था, लेकिन किसी ने मंदिर को नहीं छुआ। मंदिर के ठीक बगल में जहाँ लोग रहते हैं, भगवान के बनाए हुए इंसान रहते हैं, उन्हें उजाड़ दिया गया। और लोगों ने पूछा भी कि ये मंदिर क्यों नहीं गिराया जा रहा है और हमें यहाँ से निकाला जा रहा है, तो मंदिर का रखरखाव कौन करेगा, यहाँ पूजा कौन करेगा, भगवान की मूर्ति अकेली रह जाएगी वहाँ पर, आराधना कौन करेगा। ये मंदिर है हमारा, सारा नुकसान करते हैं, सारा क्रेड क्रेड सारी चौधरी हमारा। अच्छा, तुम लोगों का सबका घर तोड़ दिया लेकिन मंदिर नहीं तोड़ा। ये मंदिर मंदिर भी तोड़वाई, मंदिर क्यों नहीं तोड़ा, बहुत मंदिर भी तोड़ा, झुकी तोड़ गई तुम लोगों ने, सबने मंदिर भी तोड़ा जाके, तब जगत वाला कैसे नाश हो। नहीं दे रहे हैं, कहाँ को जाए, रहने दे हमें, अब कहाँ को जाए, किराया नहीं दे पा मैं, हम अपने बच्चन को भूखे प्यासे सुला में कहाँ को ले जाए, हमें परेशान करके रख दिया, बताओ वहाँ तीन जगह से भगाए गए हम, कहाँ को जाए। भाई हम लोगों को कौन छह महीना ये पापा का तक रुपया दवाई का लाना है, पार्टी में तो काम करके ये वीडियो आपको पसंद आया हो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि कैसे सरकारें लोगों के नाम पर सिर्फ वोट लेती है और सत्ता में आ जाती है और उसके बाद उन्हें बिल्कुल बेबस और लाचार छोड़ जाती है। इन गरीबों के लिए हम नहीं आवाज बनेंगे तो कौन बनेगा। सत्यमेव जयते।